हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चीज कॉर्न बॉल की रेसिपी, और मैं आपको इसके अंदर का चीज पुल दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए कितना अमेजिंग, कितना मज़ेदार चीज पुल हो रहा है, और ये बहुत ही टेस्टी बॉल्स बनके यहाँ पे तैयार हुई हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो जाती है, वो भी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपनी चीज़ कॉर्न बॉल बनाने का तरीका। और यहाँ पर मैंने इसे प्रेजेंट किया है रेस्टोरेंट वे में, जैसे रेस्टोरेंट में आपको कॉर्न चीज़ बॉल प्रेजेंट की जाती है। तो इसके प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान रखते हुए हमने इस रेसिपी को बनाया है बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैंने लिया है 6 उबले आलू। इन आलूओं को मैंने उबाल लिया था, आप इसे माइक्रोवेव या गैस किसी पर भी उबाल सकते हैं। माइक्रोवेव में आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, और गैस पे आप मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल करके ऐसे ठंडा करने के बाद आप इसे छील लें, और फिर हम इसे यहाँ पे मैश कर लेंगे। मैश आप अपने हाथों को धुलकर कर सकते हैं, या फिर आप मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न। कॉर्न हम लेंगे 1 कप और या फिर 250 ग्राम्स। और यहाँ पे मसालों में हमने लिया है नमक, पाव भाजी मसाला, गार्लिक पाउडर, और हमने ले लिया है गरम मसाला पाउडर। इसे हमने तीखा बनाने के लिए यूज़ किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसमें कि तीखा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमने चिली फ्लेक्स और अमचूर पाउडर का भी यूज़ यहाँ पे किया है। और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स, जो इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स या मेरी तरह ब्रेड के पीसेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड को पीसेस में काट कर उसका यूज़ किया है, जिससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है आपकी पूरी चीज़ बॉल्स में। हम इसे बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, तो इसमें कुछ तो यूनिक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो का यूज़ किया है, और मैंने यूज़ किया है चीज़। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ऑरिगेनो और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चीज़ लिया है, ये मैंने डाइस चीज़ का यूज़ किया है। ये आपको किसी भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। गो चीज़ ब्रांड में 3 चीज़ का मिक्सचर आता है ऐसे डाइस चीज़ का, जिसमें आपको मोजरेला चीज़, पामजान चीज़ और प्रोसेस चीज़ मिलती है। अगर आपको वो पैकेट नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा चीज़ पुल आता है। तो अब हम फटाफट अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और इसको एकदम परफेक्ट हमें बनाना है, और इसके बाद अब हम बनाएंगे इसकी बॉल्स। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे अपने हाथों को साफ करके इसकी बॉल बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने हाथों को क्लीन कर लिया है, और अब हम फटाफट इसकी बॉल बना लेंगे। बॉल का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको छोटी बॉल्स पसंद हो तो आप छोटी बना सकते हैं, मेरी तरह मीडियम भी बना सकते हैं, या फिर बड़ी बॉल्स भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी बॉल एकदम तैयार है, और ऐसे ही करके हमने सारी बॉल्स बना लेनी है जल्दी से फटाफट। ये देखिए हमने सारी बॉल्स को ऐसे ही बना लिया है, और बॉल बनाने के बाद हम इसे डिप करेंगे। दोस्तों, इतने मिक्सचर में हमारी 10 बॉल आराम से बनके तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, जिसमें हमने पानी डाल के इसकी थिक स्लरी बना लेनी है। थिक स्लरी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैदे के साथ आपको उसमें डालना है 1/4 टेबलस्पून पानी। ये देखिए ऐसे पानी डालकर 1/4 कप पानी आपको इसमें डालना है, और पानी डाल के आपको इसकी एकदम परफेक्ट स्लरी बना लेनी है, जिससे आपके ब्रेड क्रम्स आराम से आपकी चीज़ कॉर्न बॉल्स में चिपक जाए। तो हमने फटाफट इसकी एकदम थिक स्लरी बना ली है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए स्लरी बनके एकदम तैयार है। अब हम इसमें अपनी चीज़ कॉर्न बॉल को डिप कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने बॉल्स को ले लिया है और हम इसे सिर्फ एक कोट करेंगे इसमें, तो हमने इसे सिर्फ एक बार डिप किया है। तो हम अपने स्लरी में कॉर्न बॉल्स को ऐसे डिप करके उसे अच्छे से कोट कर लेंगे, ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो भी होगा हम उसे ऐसे निकाल लेंगे। और फिर तुरंत डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। आप ब्रेड को, 2-3 ब्रेड को मिक्सर में ग्राइंड करके ऐसे उसका पाउडर बना के उसको कोट कर सकते हैं, या फिर आप रस्क ले सकते हैं और रस्क को ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के आप उसमें भी कोट कर सकते हैं। दोनों ही ब्रेड क्रम्स का बहुत अच्छा काम करती हैं। और ब्रेड क्रम्स में कोट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो कॉर्न बॉल्स होती हैं वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। ये देखिए, फटाफट हम अपनी सारी बॉल्स को ऐसे ही कोट करके बना लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमें इसे फ्राई करना है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसका असली फ्लेवर इन्हेंस डीप फ्राई करने से ही होता है। तो यहाँ पे हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर एक एक बॉल डालकर ऐसे हम इसे फ्राई करेंगे। आप अपने साइज, अपने बर्तन के साइज के हिसाब से उसमें बॉल डाल सकते हैं। ये हमने पहली बॉल डाली है देखने के लिए कि हमारा तेल एकदम परफेक्ट है या नहीं। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे फटाफट। ये देखिए ये कितने अच्छे से पक रही है और हमारी बॉल कितनी ही अच्छी बनी है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और चीज़ एकदम परफेक्टली मेल्ट हो जाए। एक बॉल जब बन जाए तो आप एक साथ 2 बॉल या 4 बॉल डाल सकते हैं। और ऐसे ही करके हमें अपने सारे बॉल्स को एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इन्हें पका लेना है। ये देखिए हमारी चीज़ कॉर्न बॉल एकदम अच्छे से तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर दिख रही है, दिख रही है ना, बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए फटाफट अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है। दोस्तों इसकी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अगर मैं इसे तोड़ती हूँ तो इसकी चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। ये देखिए इसकी चीज़ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। कॉर्न भी हमने इसमें काफ़ी डाला था जो आपको दिख रहा होगा। अगर आपको कॉर्न नहीं पसंद है तो आप कोई भी और वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पनीर, कैरेट्स, या फिर आप मिक्स चीज़ बॉल्स भी बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल चीज़ बॉल, और वो भी बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर ऐसे सॉस लगा दिया है जिससे ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। और जब हम करेंगे चीज़ पुल, यानी कि अगर हम बात करते हैं चीज़ पुल की, तो इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ पुल भी हुआ है। मैं आपको फिर से एक बॉल तोड़कर दिखाना चाहती हूँ कि कितने अच्छी से हमारी चीज़ मेल्ट हुई है और कितना अच्छा ये चीज़ पुल हो रहा है। तो बना है ना ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि हमने इसमें सब कुछ एकदम रेशियो से डाला है, तो ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुई है। आप इसे पार्टियों में, घर आए मेहमानों के लिए, या फिर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। पर असली स्वाद इसका तब आता है जब आप इसे गरम-गरम सर्व करते हैं। तो ज़रूर बनाइए ये अमेजिंग चीज़ कॉर्न बॉल की रेसिपी, जो कि है बहुत इजी और सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, और घर पे सबको खिलाइए। इसे बनाना बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।